नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। व्यापारी को चाकू मारकर 2,94,000 रुपए की हुई लूट का खुलासा हुआ है। मोहाना थाना क्षेत्र के हराया जंगल से 14 जुलाई को एक व्यापारी बैग में 2,94,000 रुपया लेकर जा रहा था। घात लगाए बैठे लुटेरों ने मोटरसाइकिल लड़ाकर व्यापारी को गिरा दिया। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पीठ में चाकू मारकर घायल कर दिया और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ये घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की थी। आज SOG सर्विलांस और मोहाना थाना की पुलिस ने ककर हवा बाजार के कपिल वस्तु तिराहे से रात के 1 बजे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त संदेश कुमार, हरिलाल और अनिल कुमार तीनों ही सिद्धार्थनगर जिले के हैं, जबकि मुख्य अभियुक्त बुद्देश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसके ऊपर मोहाना थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने इसके पास से लूट के 50,000 रुपये, अवैध असला और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये थाना मोहाना में 14 जुलाई को हरैया जंगल में ये एक व्यापारी के साथ शाम को लगभग 8:30 बजे लूट की घटना घटित हुई। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज SOG टीम और थाना मोहाना टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम संदेश कुमार निवासी कपिल वस्तु, हीरालाल निवासी थाना चिलैया, अनिल कुमार निवासी कपिल वस्तु थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो लूट की धनराशि 50,500 रुपये बरामद की गई है, साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा और 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त बुद्देश उर्फ बुद्धा इस समय फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है बुद्देश, उस शाम को इनके पास आया था। इन्होंने पहले नशा और शराब का सेवन किया, इसके बाद वो जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ पे जाके वो खड़े हुए थे, और जब ये व्यापारी उस रूट से आ रहा था तो इसको रोक कर उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी लड़ाई, ये दोनों बाइक से 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था। और उस व्यापारी के पास जो बैग था इन्होंने उसे छीन के वहाँ से ये फरार हो गए। इसमें आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 1 अभियुक्त इसमें फरार है। सर, एक बात आती है, जैसे ये क्या ये पहली बार अपराध किए, किससे पहले भी अपराधी? इसमें जो 3 व्यक्ति इस समय गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से अभी संदेश के संबंध में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, बाकी हीरा और अनिल के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त बुद्देश जिस समय फरार है, इस पर पूर्व में ही NDPS आबकारी चोरी इस तरह के मुकदमे इस पर पंजीकृत है। सर, ये जो चोरी की घटना हुई है, जो लूट की घटना हुई, ये पूर्व प्रायोजित थी या मतलब ऑन द स्पॉट सडन घटना? इनसे जो अभी तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनसे जो पूछताछ में की गई है, पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इसमें बुद्देश का एक पूर्व से ही इसका प्लान था, क्योंकि ये लोग जो इसने बातचीत करी थी इसको बताया कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो इनकी पूछताछ से प्रतीत हो रहा है कि इसे पूर्व नियोजित था। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। कोई पुरस्कार दिया जा रहा है? इसमें अभी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी बची हुई है, इसमें हमारी टीम काम कर रही है और कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757, 9456210
राजस्थान के वारा झालावाड़ जिले की सौरती ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सरपंच के दलाल के द्वारा पात्र लोगों के पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें दलाल धनश्याम लोधा द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे 9,500 रुपये दिए थे, वो मैंने मुकेश कुमार सरपंच पति को दिए और मैंने रजिस्टर में भी नाम लिखा है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद ग्राम पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बताते चलें कि ये वो ही ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच के दलाल छीदर मेघवाल द्वारा पहले भी एक बेड रेस्ट पर पड़े मरीज से घर पर जाकर नरेगा के नाम पर पैसे हड़प लिए थे। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सौरती ग्राम पंचायत में सरपंच के दलालों का बोलबाला है, इसीलिए सरपंच प्रतिनिधि आज भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, श्यामसान घाट भूमिका, जिसमें खूब जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की, परंतु मामला जस का तस नजर आया। ये ऑडियो मेरा है और पीएम आवास के बारे में ऑडियो वायरल हो रहा है और मुझसे पैसे छीन ले गए 9,500 रुपये धमकाने डराते धमकाते थे। फिर मैं इसके घर पे गया घनश्याम के और घनश्याम को पैसे दे के आया हूँ। अच्छा, तो किस वजह से ऑडियो वायरल हुआ है आपका? सर, ये मैं सरपंच के पास जाता था, जो सरपंच कहता था कि मेरे पास मत आया कर तू। फिर मैंने घनश्याम से कहा है कि सरपंच तो मुझे ललकारता है, घनश्याम तूने पैसा दिया है कि नहीं दिया है? तो घनश्याम ने कहा है कि मैंने पैसा तो दे दिया यार मुकेशा को। तो उसने कहा है कि घनश्याम ने कहा है कि मैंने पैसे भी दे दिए और मैं रजिस्टर में भी लिख के आया हूँ, तेरा पैसा नहीं खाया मैंने। अच्छा जी, तो इस वजह से ऑडियो वायरल हुआ है? इसी वजह से ऑडियो वायरल हुआ है और मुझे धमकाते हैं। ये क्या है कि कौन धमकाता है? घनश्याम और मुकेश कहते हैं कि ये जुगलिया से कोई बात नहीं करनी है और कहीं भी मिल जाएगा तो इसको दबो जाएंगे। अच्छा, तो अगर आपके साथ कुछ अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन लोग? उसके साथ में घनश्याम और मुकेश दोनों ही होंगे, क्योंकि मुकेश ने ही घनश्याम को भेजा है और घनश्याम ने और भी आदमियों से कह रखा है कि ये कोई से बात नहीं कर सके करे अपनी इस बारे में। अच्छा अच्छा जी, तो डर तो बना हुआ होगा? डर तो मेरा बना हुआ है ना, मेरे घर पे खेत बाड़ी पे नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, कोई डंडा उखाड़ रहे हैं, कोई बागर के कांटे फेंक रहे हैं। अच्छा, कोई किसी ने तार को गाड़ रखा था, मैंने जब तार का डंडा उखाड़ दिया। मतलब भय बना हुआ है? भय बना हुआ है और मेरे वोट पर ये वो भी कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है उसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके अनहोनी के जिम्मेदार तो मुकेश सरपंच होंगे और घनश्याम होंगे। मेरे पास चित्र रहा था मिस्टॉल चालू करवाने के लिए। क्या बोल रहा था? कहा कि 1,000 रुपये दो आपके मिस्टॉल चालू कर देंगे। 1,000 रुपये काहे की रिश्वत के? अब ये तो वो मिस्टॉल चालू करवाने के मांग रहे थे। अच्छा, फिर आपने क्या बोला? भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो 5 साल से वैसे ही बेड रेस्ट पे हूँ। हाँ, फिर उसके बाद में नहीं आया आपका नाम मिस्टॉल में? उसके बाद में नाम वाम कुछ नहीं आया है ना, और वाइफ के नाम से मिस्टॉल आई होगी तो पता नहीं, लेकिन वो वही लोग कह रहे थे कि मिस्टॉल आई है, तो वो पैसे भी अकाउंट में से गायब थे हमारे। आप अकाउंट में भी पैसे नहीं आए? अकाउंट में भी पैसे नहीं आए। अच्छा अच्छा, और इस बात की कंप्लेंट भी हमने बैंक में करी है जी, और वहाँ से हो सकता है कुछ रिफंड आए। अच्छा अच्छा, अभी उसकी जानकारी नहीं है। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। कासगंज जनपद के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री BVGTS मूर्ति द्वारा जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य में लोगों की जनसमस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया गया। साथ ही राजस्व संबंधित प्रकरणों में राजस्व विभाग के साथ
समन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। यूपी के मैनपुरी के कुरावली सीएचसी पर नसबंदी कराने गई महिला की हालत बिगड़ी। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराया भर्ती, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। आपको बताते चले हैं कि मैनपुरी जिले के थाना ओझा थाना क्षेत्र के नगला धर्मपाल ज्योति निवासी संजू ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पत्रकारों से कहा कि उसकी पत्नी सुनीता 35 वर्षीय को गाँव की आशा व उसके पति कुरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने के लिए ले गए थे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने इलाज में लापरवाही बरती, गलत दवा देने के कारण हालत नाजुक हुई और यहां भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मैनपुरी जिले के सीएमओ चिकित्सकों की टीम के साथ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँचे। हमारी बहू सही सलामत थी, ये बोली चलो तुम्हारा ऑपरेशन करा दें कुराली बच्चों वाला। मैं थे दूसरी दुकान पे काम कर रहे थे, बच्चे गए थे स्कूल, इन्होंने भाई मियाँ बीवी गए मोटरसाइकिल पे लेवा ले गए। कौन गए थे, क्या नाम था इनका? नाम नहीं पता, गांव की आशा है। अच्छा। और उनका पति था विजय कुमार, ये लोग गए बुला ले गए, कोई बात नहीं, इन्होंने फ़ोन नहीं हमसे किया, फिर बाद में फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी बहू के पहले ऑपरेशन हुआ था, हम यहाँ हुआ था, कैसे ऐसे इसको दिक्कत नहीं आएगी, अगर नस मिल गई तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो एक टाँका आएगा और सही सलामत घर आ जाएंगे। यानी ठीक है, फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, फिर बोली अब इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, फंसू कर हो गया, जे अब वो है कि सैफ ही आ जाओ लेके जल्दी लेने। यानी मैं क्यों आ जाऊँ, तुम लेके गए, तुम जानो तुम लोग, मैं यहाँ आए अब वो नहीं बोलती है नहीं कुछ, डॉक्टर लोग कहते इसको गलत दवा दे दी बेहोश वाली। जो ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया जो वहाँ पर, हाँ अब मुझे तो नहीं मालूम। तो कुरावली ये सीएससी में हुआ था? हाँ कुरावली। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? सुनीता देवी। उम्र कितनी होगी लगभग? 35-36 साल। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध, कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध, 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412827579456214। राजस्थान के वारा जिले की सीमा से सटे हुए राजस्थान में धार्मिक आस्था का विशाल धार्मिक पावन स्थान, जहां पर लोग अपनी आस्था और विश्वास से बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर, जहां एक तरफ संतान प्राप्ति के लिए कामनाएं करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक निर्दय मां ने अपनी संतान को तालाब में फेंक कर मां की ममता को शर्मसार कर दिया है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी मोग्या बेह गांव में ससुर फरियादी रामचंद्र पिता परमानंद लोधा ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह मय पुलिस जाफ्ता के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के म्योगा बेह गांव पहुंचे, जहां पर पुलिस ने ग्रामीण की मदद से घटनास्थल पर पहुंचे तालाब में महिला ने नवजात शिशु को फेंका, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम कर मृतक नवजात शिशु को परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ससुरी रामचंद्र पिता परमाणु लोधा ने बताया कि हमारी बहू के 4-5 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, उस बच्चे को रात के समय तालाब में फेंक दिया, जिसकी सूचना कामखेड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक नवजात शिशु का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा।
कामखेड़ा पुलिस कर रही है अनुसंधान। ये आज सुबह जो है अपनी तत्कालीन थाना अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी निरीक्षक थाने को सूचना मिली थी गाँव मोजाबे से रामचंद्र रोदा की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी बहू रेखा भाई पत्नी कारोलाल रोदा जिसकी दिनांक 20/7/2022 को थाना अस्पताल पर जो है डिलीवरी हुई थी, इसके बच्चा हुआ था जिसको कल 22/7 को जो है छुट्टी करने पर इसके ससुर ये लेकर के उनके घर पर आ गए थे। रात्रि के समय रात्रि के 1-2 बजे करीब के समय जो है वो उसको इन बच्चे को लेकर के जाते थे, कहा वापस आए तो उस बार बच्चा नहीं मिला। उससे पूछताछ करने वाले ने सोचता कि तो थाना अधिकारी मौके पर पहुँचे, उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 317 में प्रकरण दर्ज कर बच्चा कहाँ से बरामद हुआ सर? हाँ, बच्चा की नवजात शिशु की तलाश की तो वहाँ मोजाबे के पास ही खड्डे नाली होती है, वहाँ जो है बच्चे की नवजात शिशु की बॉडी मिली जिसको दस्तयाब कर उसका पीएम करवाया गया। पीएम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सपोर्ट किया गया और प्रकरण में अनुसंधान जारी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।